प्रस्तुत पाठ में बातचीत के माध्यम से समय के महत्व के विषय में चर्चा की गई है। आचार्य छात्रों को समय का सदुपयोग करने की शिक्षा दे रहे हैं। वे बताते हैं कि मानव जीवन बहुत भाग्य के उदय से ही प्राप्त होता है। मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर दिन रात अच्छे कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय फिर से वापस नहीं आता। आचार्य, छात्र मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्र, परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय आदि। आचार्य, हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु इनमें से समय का सदुपयोग अर्थात उत्तम कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। छात्र, यह कैसे? आचार्य, समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्य सभी वस्तुएं नष्ट होने पर भी फिर से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समय के नष्ट होने पर किसी भी उपाय से पुनः उस समय का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें जिसकी आयु का जो अंश बेकार गया वह गया ही है। छात्र, लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं? आचार्य, लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ में समय बिताने से और बेफिजूल कार्य में। अनेक लोग कार्य करने में समर्थ होते हुए भी बेकार में समय बिताते हैं, इधर उधर घूमते हैं, बिना किसी कारण घर में भटकते रहते हैं। न तो वे अपने लिए कुछ कार्य करते हैं और न ही दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं। यह जानकर भी कि मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये सब न अध्ययन करते हैं, न धन कमाते हैं और न ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। इनका जन्म निर्थक होता है और यह कर्म भूमि भी ऐसे लोगों का भार ढोना नहीं चाहती है। छात्र, आचार्य वो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, उन्हें जीवन में किसी प्रकार नुकसान होता है। आचार्य, इस प्रकार के लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते और ना ही कोई इन्हें आश्रय देना चाहता है। वह जहाँ भी जाते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और सब जगह उनका तिरस्कार होता है। अधिक क्या, माता पिता भी इस प्रकार के बेटे का स्वागत नहीं करते हैं, तो फिर अन्य भाई बंधुओं की क्या बात। छात्र, आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? आचार्य, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं वे सदा ही कार्य में संलग्न रहते हैं और परिश्रम से जी मन नहीं चुराते हैं। उनका जीवन कठिन नहीं होता है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका आदर सम्मान होता है। घर में और घर के बाहर सभी जगह समान रूप से उनका अभिनंदन होता है। सभी उनका सहयोग करना चाहते हैं और इस तरह के कर्मवीर लोग ही इस समाज में सम्मान और श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। छात्र, आचार्य समय के सदुपयोग से लोग कैसी उन्नति प्राप्त करते हैं? आचार्य, सुनो, आज तक जगत में जितने भी महापुरुष प्रसिद्ध हुए हैं उनके जीवन चरित्र के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे बचपन से ही दिन रात कर्म में प्रायण थे। उन्होंने एक भी क्षण बेकार नहीं जाने दिया। उनका लक्ष्य था कार्य करो या शरीर त्याग दो। इस कारण से ही आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और उन्हें आदर्श पुरुष माना जाता है। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, पूरे भारत में दिन रात न भटके होते, जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांत को खंडित नहीं किया होता, तो भारत में फिर से वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता। गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया और स्वराज प्राप्त किया। और जिन छात्रों ने क्षण क्षण जोड़कर विद्या अध्ययन में समय का सदुपयोग किया वे ही विद्वान, उच्च नागरिक व अधिकारी हुए। छात्र, आचार्य प्रकृति भी समय के पालन की शिक्षा देती है। आचार्य, हाँ, प्रकृति भी समय के पालन और कार्य परायण का निरंतर उपदेश देती रहती है। ईश्वर द्वारा प्रकृति के जितने भी पदार्थ बने हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे रहते हैं। सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंगा चींटी तक सभी अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई देते हैं। इसलिए प्रकृति के द्वारा भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के द्वारा भी कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः हमें आलस्य छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी एक भी क्षण व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। जैसा कहा गया है कि काम का समय नष्ट नहीं करना चाहिए।